क्या चल रहा है थर्ड पार्टी के बीच में और डिवाइन मैस्कुलाइन के बीच में? दोस्तों, ये जो है आपकी तरफ आना चाहते हो कि आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि इस ये जो इनकी मैरिड लाइफ है या इनका जो थर्ड पार्टी के साथ रिलेशनशिप है, ये ब्रेक होते हुए, इमारत टूटते हुए, इनका घर टूटते हुए इनको दिखाई दे रहा है। अब ये सोच रहे हैं कि मेरे को स्टेबिलिटी कहाँ मिलेगी। ओके, ये सोच में पड़े हैं। थ्री ऑफ वैंड्स, ये अब कंफ्यूज हो चुके हैं इस रिलेशनशिप में कि इसका बेस ही टूट चुका है। ओके, अब ये पकड़ के रखना ज़रूर चाहते हो सकते हैं। अपने मनी रिलेटेड मैटर्स बहुत ज़्यादा है इनके जो है थर्ड पार्टी के साथ, बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये लटके हुए हैं वहाँ पे। ओके, यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं है, बट स्टार वर्ड से इनको कहीं ना कहीं मैसेज आ रहे हैं। ओके, इनको अपनी दुनिया से मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं कि भाई तुम अपनी डिवाइन फेमिनिन के पास जाओ, उसकी तरफ ध्यान दो। ऐसा उनको कहीं ना कहीं डिवाइन समझा रहे हैं, तुम यहाँ पे लटके पड़े हो, जो कि इमारत टूटी पड़ी हुई है उस जगह तुम लटके पड़े हो। ओके, उस जगह तुम स्टेबिलिटी फील कर रहे हो, जबकि वो इमारत ही टूटी पड़ी हुई है। गुप्त तरीके से कहीं ना कहीं यहाँ ब्लैक मैजिक से भी ये फंसे हुए रह सकते हैं। कोई चीटिंग इनके साथ हुई है ब्लैक मैजिक के थ्रू, गुप्त तरीके से, जिसको शायद ये समझ कर भी समझ नहीं पाए हैं अब तक। और थर्ड पार्टी लगातार निशाने लगा रही है और ये बिल्कुल लटके हुए है, उसके निशानों को झेल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं अब समझ चुके हैं। ओके, शायद ये समझ चुके हैं उस ब्लैक मैजिक को भी, और अब इनका मन वहाँ से उठ चुका है। ये बिल्कुल भागना चाहते हैं, बिल्कुल वहाँ से भागना चाहते हैं, और फिर भी वो फंसे हुए अगर किसी रीज़न की वजह से है, सारा सार अगर देखा जाए तो फिर सिर्फ कुछ कार्ड यहाँ पे बोलते हैं। एक कार्ड तो हो सकता है इनका मनी बिजनेस, जिसकी वजह से हो सकता है ये बिजनेस में पार्टनरशिप हो, या कुछ ऐसा सहभाग थर्ड पार्टी का इसमें हो जिसकी वजह से ये वहाँ से भाग नहीं पा रहे हैं। ओके, दूसरा, थर्ड पार्टी ने इनको कुछ ऐसा ब्लैक मैजिक के थ्रू करके रखा है, चीटिंग करके रखी है, कि इनको अपना जो थर्ड डायमेंशन से, सॉरी, फिफ्थ डायमेंशन से इनको जो मैसेजेस रिसीव हो रहे हैं उसमें कुछ झोल इन्होंने किया है। ओके, तो ये भी हो सकता है। और सबसे लास्ट में अंतिम कार्ड आया है दोस्तों, जो इनका पास्ट है, उन्होंने समय साथ बिताया है, या बच्चे पैदा किए हैं, या परिवार की जो यादें हैं, या जो भी है उसके थ्रू यहाँ पे ये बंधे हुए हैं। ओके, क्योंकि ये नहीं चाहते कि किसी का दिल तोड़े, अपने बच्चों का, वाइफ का दिल तोड़े, ये बिल्कुल नहीं चाहते हैं, इसलिए ये वहाँ पे फंसे हुए हैं। अभी वो उनको जो है हर तरीके से प्रोवाइड कर रहे हैं, हो सकता है घुमाने भी लेके जाए, और हर तरीके से अपने परिवार की केयर कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं, प्रोवाइडर बने हुए हैं, और वहाँ से उठ नहीं रहे हैं। ओके, ये चाह के भी उठ नहीं सकते, जबकि ये चाहते हैं वहाँ से भागे, वहाँ से भाग जाए, उठ जाए। इमारत टूटी हुई है, अब कहाँ बैठना है इसके नीचे, बिल्कुल ये तड़प चुके हैं जाने के लिए। फिर भी इनको जो है फिर से वहीं पर फंसना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बच्चे हैं, हो सकता है कुछ लोगों के न्यू बॉर्न बेबी हो, के नए नए बच्चे हुए हो, और जिसकी वजह से ये पर्सन अब इस लेडी को छोड़ नहीं पा रहा है। ओके, ये चल रहा है इनके बीच में, और स्टेबिलिटी तो है, और उनको लगता है कि परिवार स्टेबल रहना चाहिए, और ये स्टेबिलिटी थर्ड पार्टी के पास अभी भी कहीं ना कहीं है। अभी भी इनको लगता है कि ये इनका परिवार है, इसलिए ये वहाँ से उठ नहीं पा रहे हैं, जबकि ये कंफ्यूज हो चुके हैं। ओके, जबकि ये कंफ्यूज हो चुके हैं, ये यहाँ से भागना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं लटके हुए हैं। ओके, अपने बिजनेस की वजह से लटके हुए हैं, थर्ड पार्टी के ब्लैक मैजिक की वजह से लटके हुए हैं, और इनको थर्ड पार्टी दिखाती ज़रूर है कि वो जैसे एक डिवाइन फेमिनिन है, एनर्जेटिक सोर्स है इनका, ऐसे भी ये दिखाती है। ओके, हो सकता है ये इसने कुछ स्वांग ले लिया हो डिवाइन फेमिनिन की तरह, तो ये भी यहाँ पे पॉसिबिलिटीज दिख रही है। बट शातिर औरत यहाँ पे है, जिसने, हो सकता है कि डिवाइन मैस्कुलिन कभी इस रिलेशनशिप को तोड़ना भी नहीं चाहते थे। ओके, चाहे उनके डीएफ के लिए वो कितना भी प्यार महसूस करे, फिर भी वो इस रिलेशनशिप को कभी तोड़ना नहीं चाहते, शायद आज भी तोड़ना नहीं चाहते। ओके, बट इस औरत ने कुछ ऐसे चीज़ें की है, कुछ तो ऐसा हुआ है कि इनका विश्वास टूट चुका है इस औरत के ऊपर से। ओके, तो ये
इनको लगता है कि औरत बहुत ही ज़्यादा शातिर है, जिसकी वजह से एक ट्रू लव जो है इसके लिए फील नहीं किया जा सकता, अनकंडीशनल लव। एक छोटा बच्चा जो होता है उसके चेहरे के ऊपर जो मासूमियत होती है, उसके ऊपर जो उसके साथ जो है कोई निर्दयता नहीं कर सकता, बट अंदर से इनको लग रहा है कि ये वो औरत बहुत ही ज़्यादा शातिर है। ओके, और ये जो है बिल्कुल सब कुछ ब्रेक कर सकती है, ख़त्म कर सकती है, कुछ नुकसान कर सकती है, इस तरह का ये डर इनके मन में है। ओके, अभी भी है, इसलिए ये लटके पड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं शैतानी दिमाग जो है थर्ड पार्टी का, उससे भी ये इंसान डरा हुआ है और उसके लिए भी ये सोचता है कि काश मैं इस कनेक्शन से भाग पाता, बट ये लटका पड़ा है। कोई ना कोई डर इनके मन में ज़रूर है थर्ड पार्टी से रिलेटेड, बट अंदर से, मतलब कह सकते हैं ना, दिल से जा चुके हैं, मन से जा चुके हैं इस कनेक्शन में, कुछ नहीं पड़ा है। बस बच्चों को देख के एक बार इनको लगता है कि नहीं, मैं फैमिली नहीं छोड़ सकता, सिर्फ बच्चे रीज़न है। मतलब इस होल रीडिंग में अगर कुछ कहा जाए तो मनी एंड किड्स, सिर्फ इसी वजह से ये रिश्ता चल रहा है, बाकी इस रिश्ते में कुछ नहीं है। ये डिवाइन मैस्कुलिन यहाँ से भागना चाहते हैं, और ये औरत जो है इनको, हो सकता है ये इनको पकड़ के ड्रेन कर रही है। ओके, मतलब जैसे मराठी में कहावत है कि उल्टा लटका के नीचे से मिर्ची का धुआं देना, मतलब ये इनको लटकाए हुए भी है मगर प्यार से नहीं। ओके, प्यार से नहीं, ये कुछ ना कुछ ऐसे हरकतें कर रही है। हो सकता है इनको बहुत सुनाए या टॉर्चर करे, या इसकी वाइब्रेशन ऐसी है कि जो बर्दाश्त करने लायक नहीं है। ओके, वैम्पायर टाइप, तो जिसकी वजह से इंसान परेशान हो जाए, ड्रेन हो जाए, उसकी स्टेबिलिटी गुम हो जाए, फिर भी वो वहाँ पे चिपके हुए हैं। इनका बहुत बड़ा बिजनेस या कुछ ऐसा हो सकता है, या इनकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी हो सकती है। यहाँ पे मुझे वाइब्स आ रही है, देखिए यहाँ पे प्रॉपर्टी भी दिख रही है। ओके, इनकी यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी, एनिमल्स या कुछ बहुत बड़ा लैंड इनका हो सकता है, जिसकी वजह से ये वहाँ पे फंसे हुए हैं। वहाँ से ये, मतलब वहाँ की वो देखभाल कर रहे हो, अगर ये वहाँ से आए तो वहाँ पे बहुत नुकसान कर सकते हो। हो सकता है कुछ लोगों का वाइन शॉप हो यहाँ पे, ऐसा भी मुझे वाइब्स आ रही है। और तो जिसके कारण, और यहाँ पे गुप्त तरीके से कोई षड्यंत्र इनके लिए रचा जा रहा है। ओके, यहाँ पे थर्ड पार्टी का कोई ट्रू लव की वाइब्स इस रीडिंग में तो नहीं दिख रही। ओके, कि ये औरत बहुत प्यार कर रही है या प्यार दे रही है। ट्रैप यहाँ पे बना हुआ है कि कुछ ना कुछ फंसाया जा रहा है। हो सकता है कि वो भी अब इमोशनली इस चीज़ से उठ चुकी हो, या इनके लिए कोई ऐसी ट्रू फीलिंग्स अब उसको भी फीलिंग ना होती हुई हो। बट अंत में इनको थोड़ा सा सेक्रीफाइस दोनों को ही करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ द फैमिली एंड किड्स। ओके, आप भी अपने पर्सन की एनर्जी जान सकते हैं सिर्फ 369 में, 555 में आप 3 questions ले सकते हैं, ट्रू फीलिंग्स, करंट फीलिंग्स और इंटेंशंस। कोई भी क्रिस्टल ब्रेसलेट खरीदना हो तो आप मुझसे खरीद सकते हैं। मैं क्रिस्टल थेरेपिस्ट हूँ 20 साल से, मेरे पास बहुत प्योर क्रिस्टल्स है। साथ में मैं एक रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, आप मुझसे रेकी सीख सकते हैं। इंस्टेंट रीयूनियन मैजिक देखना है तो मेरा डेली नोरवर्क मेडिटेशन ज़रूर खरीदें। आपको अपनी कुंडली चेक करवानी है और टैरो का रीडिंग कराना है, आकाशिक रीडिंग करनी है, तभी आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ट्विन फ्लेम कन्फर्मेशन भी करवा सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच।